आज हम लोग मॉडुलस ऑफ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, उसका डोमेन रेंज कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग। मॉडुलस ऑफ फंक्शन जो होता है, मॉडुलस ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन है एक द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू fx और fx इक्वल टू मॉड ऑफ x इज डिफाइंड एज मॉड ऑफ x इज इक्वल टू b माइनस x when x इज लेस देन 0 एंड 0 होता है when x इज इक्वल टू b 0 एंड प्लस x when x इज ग्रेटर देन। तो मॉडुलस ऑफ फंक्शन में बहुत क्लियर है कि अगर x लेस देन 0 या तो लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि इस x का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव क्वांटिटी, अब उसके पहले भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस जब लगा हुआ है नेगेटिव है तो दोनों मिलकर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। जीरो भी है और यहाँ x ग्रेटर देन है तो यहाँ भी पॉजिटिव हुआ। कहने का मतलब इसमें हो गया कि x का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मॉडुलस ऑफ x जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू f(x) तो a हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मॉडुलस ऑफ x कभी नेगेटिव नहीं होगा। x का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, जीरो हो, मॉडुलस ऑफ x हमेशा जीरो या पॉजिटिव वैल्यू होगा। इसको हम लोग ग्राफिकल जब रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ x को तो इस तरह से करेंगे, मॉडुलस ऑफ x को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हकीकत में फंक्शन y इक्वल टू fx इक्वल टू x है तो x का वैल्यू जीरो देंगे तो जीरो और 1, 2, 3 स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे चलते हैं। और दूसरा है कि x का वैल्यू अगर नेगेटिव भी दे रहे हैं तो y का वैल्यू उसको पॉजिटिव मिल रहा है तो ये जो ग्राफ आएगा ये अगर डायरेक्ट y इक्वल टू fx इक्वल टू x रहता तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे आता, लेकिन अब ये नहीं आकर यहाँ पर x का वैल्यू नेगेटिव भी देंगे तो y का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, y मतलब मॉडुलस ऑफ x पॉजिटिव मिल रहा है। ये ग्राफ इस तरह से चला यानी भी शेप में होगा y इक्वल टू fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, जब भी होता है तो मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव होता है और एक भी शेप में देगा। अब इसमें देखना है कि मॉडुलस ऑफ x का फंक्शन का डोमेन क्या है, तो डोमेन जो होगा आपका डोमेन हो जाएगा x का वैल्यू, डोमेन मतलब x का वैल्यू और y उस पर डिपेंड करता है तो उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो डोमेन इसका पूरे रियल नंबर हो जाएगा, पूरे R होगा, लेकिन अगर इसका हमको रेंज देखना तो रेंज का मतलब कि y का वैल्यू कितना होगा, तो देखो y का वैल्यू मतलब वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस सबसे लीस्ट वैल्यू जो है वह क्या है, जीरो है। तो क्लोज इंटरवल जीरो से लेकर कहां तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ये इसका रेंज होगा। तो ग्राफ से देखकर हम बता सकते हैं कि इसका डोमेन कितना से कहां तक होगा और रेंज कहां से कहां तक होगा। और मॉडुलस ऑफ फंक्शन को भी बताया कि मॉडुलस ऑफ फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, डिफाइन करता है कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, लेस देन 0 देंगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, 0 पर भी मान 0 आ जाएगा और प्लस पर जब है तो पॉजिटिव है, यानी कि x का पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि पूरे रियल वैल्यू देने पर y का जो वैल्यू आएगा यानी कि रेंज जो उसका होगा वह 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी यानी कि r प्लस रियल वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहां तक? अब इसी चीज में मान लो कि दूसरे तरह का ग्राफ इसमें दे रहा है कि y इक्वल टू fx और fx इक्वल टू दे रहा है मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3। अब इसका हमको ग्राफिकल मेथड से अब इसका हमको डोमेन एंड रेंज निकालना है, तो डोमेन रेंज क्या होगा ये चीज देखने के लिए। तो ये तो क्लियर है कि डोमेन क्या है कि x का कोई भी x, डोमेन का मतलब है x का वैल्यू, तो x का कोई भी वैल्यू पर y का एक वैल्यू हमको मिल जाएगा, यानी कि डोमेन जो यहाँ भी होगा क्या होगा, पूरे के पूरे रियल नंबर होगा।
तो पूरे रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट कर दें। अब झंझट कहाँ है तो रेंज निकालना है, डोमेन तो बहुत आसानी से निकल गया, अब रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए इसको बहुत आसान तरीका है कि ग्राफिकल मेथड से आप आसानी से इसका रेंज निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में इसको ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रिक है कि दो है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस थ्री, एक बार ऐसा एक्स का वैल्यू पुट कर दे कि ए जीरो हो जाए और एक बार ऐसा पुट कर दे कि ए जीरो हो जाए। तो एक्स प्लस टू को अगर हम जीरो करना चाहते हैं तो पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू माइनस टू। अब देखिए कि इसमें एक्स का वैल्यू माइनस टू पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, माइनस टू प्लस टू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस टू प्लस थ्री, कितना आ जाएगा। तो ये तो जीरो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, वन आ गया, यानी कि एक्स का वैल्यू माइनस टू देंगे तो वाई का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, वन मिलेगा। तो एक कोऑर्डिनेट हमको माइनस टू और वन मिल गया। अगेन दूसरा पुट कर रहे हैं कि पुट कर दिए एक्स इक्वल टू, अब क्या पुट करेंगे, माइनस थ्री। जब माइनस थ्री पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस वन, तो मॉडुलस का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसका वैल्यू वन आ गया तो इसका सेकेंड कॉर्डिनेट आ गया माइनस थ्री और वन आ गया, तो दो कॉर्डिनेट हमको मिला, एक मिल गया माइनस माइनस टू और वन और दूसरा मिल रहा है माइनस थ्री और। अब इसको हम ग्राफ पर रखेंगे, ग्राफ पर ले जाएंगे इसको, तो ग्राफ पर लीजिएगा इसको, तो देखिए एक्सिस खींच दिए, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया। अब देखिए कि x का एक पॉइंट जो है वह माइनस टू और माइनस वन है, तो मान लो कि यहाँ पर माइनस टू और जीरो दे दिए और एक पॉइंट है जीरो वन का, तो एक पॉइंट एक यहाँ आ जाएगा, ए जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस टू और वन का होगा होगा। और फिर कितना है माइनस थ्री, और मान लो कि यहाँ माइनस थ्री जीरो है तो ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री और वन, तो माइनस थ्री पर भी वन आ रहा है और माइनस टू पर भी वन आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। अब इसके देखो माइनस थ्री और माइनस टू के बीच में सो मेनी रियल वैल्यू मिलेगा, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आप दीजिएगा एक्स का, आप देख लीजिएगा चेक करके, वाई का हमेशा वैल्यू जो होगा वह वन ही है। एक्स का माइनस टू और माइनस थ्री के बीच में, माइनस थ्री और माइनस टू के बीच में जो भी वैल्यू आप देख लेते, जैसे माइनस फाइव फाइव टू पुट करके देखिएगा तो कुछ भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक में इसका वैल्यू क्या आएगा, वाई का वैल्यू हमेशा वन आएगा। अब इसके बाद जो होता है ग्राफ क्या होता है, एक इस तरह से डायरेक्शन पे आगे बढ़ते हुए इधर चला जाएगा या ग्राफ इधर चला जाएगा, एक्स का इसके अलावा जो वैल्यू दे दिया तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ए जो ग्राफ हो गया किसका हो गया, तो वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री का, ये निकल गया। इसमें हम लोग देखे थे कि डोमेन कितना था, तो डोमेन पूरे पे पूरे रियल नंबर है। अब इसका रेंज निकालना होगा, तो रेंज क्या होगा बताइए, तो जरा रेंज का मतलब क्या होता था, वाई का डिस्टेंस, तब वाई का सबसे लोएस्ट डिस्टेंस इसमें क्या है, वाई का सबसे लोएस्ट डिस्टेंस कितना है, वन है, वन से नीचे तो नहीं है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, वन होगा, और ऊपर की डिस्टेंस क्या है, तो इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से निकाल लेंगे कि इसका रेंज जो होगा वह वन से लेकर कहाँ तक होगा, इंफिनिटी तक होगा। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन भी ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इस पर दे देंगे, इसका डोमेन रेंज आप लोग निकालिएगा। डिफरेंट क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है कि जब भी मॉडुलस ऑफ ग्राफ का डोमेन एंड रेंज निकालना है तो ग्राफिकल मेथड से निकालें तो आसानी से इसका निकल सकता है। जैसे एक दे दिए कि y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू है मॉड ऑफ x माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ टू एक्स प्लस फाइव। अब इसका आप लोग दे रहे हैं कि इतना दिया हुआ है एक, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज आपको निकालना है। एक क्वेश्चन इस पर छोड़ दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व करने पर आता है तो इसको फिर हम बाद में